अब चलिए दोस्तों, बस्ती देने की विधि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम आस्थापान बस्ती देने की विधि कि किस प्रकार से बस्ती दिया जाता है, इस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, रोगी का स्नेहन स्वेदन कराना है, स्नेहन और स्वेदन कराना है। स्नेहन स्वेदन के पश्चात वमन विरेचन व संसर्जन क्रम का सेवन कराना है। संसर्जन क्रम में जो भी पथ्य आदि का सेवन कराना होता है, सेवन कराते हैं। उसके बाद जब बल आ जाए तब यदि रोगी अनुवासन के योग्य हो तो उसे अनुवासन बस्ती दे देना चाहिए। अगर व्यक्ति अनुवासन बस्ती के योग्य है तो उसे अनुवासन बस्ती दे देना चाहिए। और उसके बाद आगे बात करते हैं, शीत व बसंत ऋतु में दिन में बस्ती देना चाहिए, ग्रीष्म वर्षा व शरद ऋतु में रात्रि में बस्ती देना चाहिए। इन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है बस्ती देते समय। उसके बाद अभ्यंग करा के स्नान कराने के बाद प्रतिदिन के भोजन का 1/4 मात्रा दे, मतलब जो भोजन करते हैं उनका 1/4 मात्रा हमें देना है। थोड़ा टहल कर मलमूत्र त्याग कर सुखकारी शैया जो अधिक ऊंचा ना हो व शैया का सिर भाग ऊंचा ना हो उस पर हमें रोगी को लिटाना है। किस प्रकार से लिटाना है वो भी ध्यान देना है। उस पर वाम पार्श्व लिटाकर, संया पर वाम पार्श्व लिटाकर मतलब बाईं ओर लिटाकर, दाएं पैर को मोड़कर व बाईं पैर को फैलाकर रखना चाहिए, है नहीं? उसके बाद कौन सी क्रिया होती है, उसके बाद गुदा मतलब एनल अपैटस में स्निग्ध मुख वाले बस्ती यंत्र के नेत्र को प्रविष्ट कराना चाहिए। तो बस्ती यंत्र के मुख को प्रविष्ट कराना है। उसके बाद बस्ती को नेत्र से बांधकर पृष्ठवंश मतलब वर्टिबल कॉलम की दिशा में प्रविष्ट कराते हैं। प्रविष्ट करते समय हमें ये सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले क्या रखना चाहिए कि हाथ को ना हिलाएं और ना ही जल्दबाजी करें और ना ही अत्यंत देरी, मतलब आप हाथ को हिलाओ डुलाओ ना और साथ ही साथ जल्दबाजी भी ना करें और अत्यंत देर भी ना करें। उसके बाद समान वेग से बस्ती यंत्र को दबाते रहना चाहिए। तो बस्ती यंत्र को जैसे हम इंजेक्ट करते हैं तो एक समान वेग से धीरे धीरे दबाना चाहिए, है नहीं? तो इस प्रकार से ये होती है आस्थापन बस्ती की क्रियाविधि। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बस्ती के पश्चात कर्म के बारे में। तो सबसे पहले बस्ती के बाद रोगी को चित लिटाकर स्फिक को मतलब उसके हिप को थपथपाना चाहिए। उसके बाद रोगी के एड़ियों से रोगी के हिप को थपथपाना चाहिए, इससे क्या होता है, स्नेह द्रव्य आसानी से बाहर नहीं आता। उसके बाद संया को 3 बार ऊपर उठा उठा कर नीचे छोड़ते हैं, जिससे कि क्या होता है, स्नेह द्रव्य जो होते हैं आंतों में ठीक से पहुँच सके। उसके बाद शरीर में पीड़ा होने पर मुट्ठी से हल्की हल्की चोट करें, ऐसे ऐसे मुट्ठी से हल्की हल्की चोट करना है, वह अभ्यंग मर्दन करें, अभ्यंग मतलब मसाज करें। इससे क्या होता है, स्नेह द्रव्य शीघ्र नहीं आता, मतलब स्नेह द्रव्य शीघ्र वापस नहीं आता। स्नेह शीघ्र ही वापस आ जाए तो पुनः स्नेह देना चाहिए, स्नेह बस्ती देना चाहिए। अगर स्नेह शीघ्र ही वापस आ जाए तो पुनः स्नेह बस्ती देना चाहिए। उसके बाद इस दरमियान क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी है उसके बारे में बात करते हैं। बस्ती देते समय रोगी को छींकना खांसना जम्भाई लेना व हिलने डुलना नहीं चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान देना है कि रोगी ना तो छींकना खांसना ये जो भी वेग उत्पन्न होते हैं तो इससे या ना ही उनको हिलना डुलना चाहिए। साथ ही साथ और यदि बस्ती देते समय मलमूत्र व वायु का वेग उत्पन्न हो तो बस्ती यंत्र को निकाल कर वेगों का निष्कासन कर पुनः बस्ती देना चाहिए। अगर मलमूत्र या वायु का वेग आता है तो हमें बस्ती यंत्र को बाहर निकाल लेना चाहिए, बस्ती यंत्र को बाहर निकाल लेना चाहिए। उसके बाद जब वेगों का निष्कासन हो जाए तो पुनः बस्ती देना चाहिए। उसके बाद बस्ती स्नेह का निमित्त काल क्या होता है, स्नेह के वापस आने का उत्तम समय 3 प्रहर होता है। 3 प्रहर जैसे कि आपको पता है एक प्रहर में 3 घंटे होते हैं, उसी प्रकार 3 प्रहर देना चाहिए। यदि वापस ना आए तो 24 घंटे तक का इंतजार करना चाहिए। इतने में भी अगर वापस ना आए मतलब जो स्नेह द्रव्य जो है वो वापस इतने में भी नहीं आता है तो फलवर्ती या तीक्ष्ण बस्तियों के द्वारा स्नेह बस्ती को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार से बस्ती के पश्चात का कर्म होता है। इस दरमियान जो जो सावधानियाँ बताई गई हैं उन्हें हमें अच्छे से ध्यान में रखते हुए बस्ती का कर्म करना चाहिए।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं स्नेह निवृत्ति की स्थिति में। अगर स्नेह बाहर ना आए, स्नेह द्रव्य बाहर ना आए, इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं, अतिरुक्षता के कारण स्नेह के वापस ना आने पर जड़ता का दोष उत्पन्न होता है। तो जड़ता का दोष उत्पन्न होने पर उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, मतलब इस चीज को इग्नोर करना चाहिए। उसके बाद स्नेह को बाहर निकालने का प्रयास ना करें। आप जबरदस्ती स्नेह को बाहर निकालने का कोशिश ना करिए, मतलब रोगी को ये हमें बताना है कि आप स्नेह को जबरदस्ती बाहर निकालने का प्रयास ना करें। उसके बाद प्रातःकाल सौंठ व धनिया का हल्का गर्म पानी व केवल गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद प्रातःकाल हमें सौंठ व धनिया मिलाकर पानी को हल्का गुनगुना करके उसका सेवन करना चाहिए, या नॉर्मल हमें हल्का गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए। उसके बाद अनुवासन बस्ती का समय जो होता है, रोगी को तीसरे या पांचवें दिन अनुवासन बस्ती देते हैं, या स्नेह के पाचन हो जाने के बाद अनुवासन बस्ती देते हैं। रोगी को तीसरे या पांचवें दिन, या जो भी हम उसको स्नेह पान कराए हैं, तो ये दो 3 से 5 दिन में स्नेह जो भी हम कराए रहते हैं उसका पाचन हो जाता है। तो स्नेह के पाचन के बाद अनुवासन बस्ती देना चाहिए। वात की अधिकता रोज व्यायाम करने वाला जठराग्नि, जिस रोगी का जठराग्नि तीव्र हो या रुक्ष शरीर वाले को प्रतिदिन अनुवासन बस्ती देना चाहिए, है नहीं? उसके बाद बात करते हैं निरूप बस्ती की विधि के बारे में। तो तीसरे या पांचवें दिन मध्यान्ह काल में मांगलिक स्वस्तिक पाठ करा के स्नेह से अभ्यंग करके व स्वेदन करके मल त्याग करके बहुत भूख ना हो, ऐसी स्थिति में रोगी के दोष व औषधि का विचार करके बस्ती को जाने वाले वैद्यों के साथ बस्ती देते हैं। तो इस प्रकार से हम देते हैं निरूप बस्ती। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निरूप बस्ती के क्वाथ में द्रव्य की मात्रा के बारे में। तो 20 पल मतलब 920 ग्राम क्वाथ के द्रव्य और 8 मदन फल लेकर क्वाथ के अनुसार 16 गुना पानी लेकर पाक कराते हैं। मतलब पाक कराना मतलब उसको हम उसको उबालते हैं, उसको खौलाते हैं, जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में। जब तक कि जल 1/4 शेष ना रह जाए तब तक इसका पाक करते हैं। उसके बाद अब इसे छान लेते हैं। छानने के बाद वात के लिए क्वाथ का चतुर्थांश स्नेह, अगर वात दोष है तो उसके लिए क्वाथ का चतुर्थांश भाग स्नेह का लेंगे। उसके बाद अगर पित्त व कोई स्वस्थ व्यक्ति हो तो उसके लिए क्वाथ का छठवां भाग का स्नेह लेते हैं, और यदि कप के लिए क्वाथ का 8वां भाग स्नेह लेते हैं। तो जो होता है कप के लिए क्वाथ का 8वां भाग स्नेह लेते हैं। उसके बाद उक्त क्वाथ में मिलाकर पाक करते हैं। जितने भी ये स्नेह का ये भाग है उसको हम उक्त क्वाथ में लेकर पाक करते हैं, है नहीं? उसके बाद कल्प मिलाते हैं, पेस्ट जिसे बोलते हैं, कल्प को पेस्ट कहते हैं। क्वाथ न तो का ज़्यादा गाढ़ा हो और न ही ज़्यादा पतला हो। अब उसके बाद क्या होता है, क्वाथ में 1 पल मतलब 46 ग्राम गुड़ मिलाते हैं, या मधु या नमक युक्ति के अनुसार मिलाते हैं। 1 पल मतलब 46 ग्राम ये तो गुड़ मिलाते हैं, या फिर मधु या नमक युक्ति के अनुसार मिलाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं निरूप बस्ती देने की विधि के बारे में। तो निरूप बस्ती देने की विधि, जैसे कि ये देखिए, जितने भी द्रव्य हैं इन सभी द्रव्यों को पात्र में डालकर गर्म पानी के भाप से गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद मंथन दंड से मत कर बस्ती यंत्र में इसे डालते हैं। मंथन दंड जिसे हम बोलते हैं उसे मत कर बस्ती यंत्र में डालते हैं। द्रव्य न तो बहुत गर्म हो और न ही अधिक शीतल। अब गुदा में इसको प्रविष्ट कराते हैं। अब इस जो द्रव्य है उसको हम एनस में प्रविष्ट कराते हैं, इंजेक्ट करते हैं। उसके बाद सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें। द्रव्य न तो बहुत अधिक स्निग्ध हो और न ही बहुत अधिक रुक्ष हो, न ही बहुत तीक्ष्ण हो और न ही बहुत मृदु हो, न ही अधिक पतला हो और न ही अधिक गाढ़ा हो, न ही कम मात्रा में हो और न ही अत्यंत अधिक मात्रा में हो, न ही वो बहुत लवण हो और न ही वो बहुत अम्ल हो। तो इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए जो द्रव्य है उसको एनस में प्रविष्ट कराना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उत्तर बस्ती के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो बस्ती गुदा से उत्तर मार्ग में मतलब
जो एनस के उत्तर मार्ग मतलब एनस के पीछे योनि व लिंग के द्वारा दी जाती है उसे उत्तर बस्ती कहते हैं, पुरुषों में उत्तर बस्ती। अब बात करते हैं सबसे पहले पुरुषों में किस प्रकार से उत्तर विधि दी जाती है और इसमें यंत्र का प्रमाण क्या होता है उस पर देखते हैं। पुरुषों में उत्तर बस्ती बस्तिगत मतलब यूरिनरी ब्लेडर के रोगों में दिया जाता है। तो जितने भी पुरुष हैं उनमें यूरिनरी ब्लेडर से संबंधित या बस्तिगत जो समस्याएं होती हैं उसमें उत्तर बस्ती दी जाती है। उत्तर बस्ती यंत्र के बारे में अब हम जानते हैं। तो नेत्र का परिमाण रोगी के अंगुली के 12 अंगुल होना चाहिए। उसके बाद यह नेत्र गोल गाय के पुंज के समान जड़ में मोटा व मध्य में कर्णिका होती है। इसका अग्रभाग सरसों के जाने योग्य मतलब इसका जो अग्रभाग है सरसों का जो दाना है उसके जाने योग्य होना चाहिए। चिकना स्वर्ण आदि का बना हुआ व कनेर व चमेली फूल के डंठल के समान मजबूत होना चाहिए। उसके बाद इस नेत्र में बस्ती द्रव्य मृदु व हल्की लेनी चाहिए। बस्ती औषधि की मात्रा 2 तोला मतलब 23 ग्राम, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बस्ती औषधि का 23 ग्राम स्नेह आदि होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इसके अतिरिक्त देश काल बल आदि का विचार करके बस्ती एवं उसके मात्रा का निश्चय करना चाहिए। अब बात करते हैं विधि के बारे में किस प्रकार से दिया जाता है। तो सबसे पहले स्नेह बस्ती के समान स्नान व भोजन करके सुखपूर्वक घुटने के समान ऊंचे कोमल आसन में पीठ के सहारे लिटाकर रोगी को बैठा देते हैं। तत्पश्चात उसके लिंग को सीधा करके व हर्षित करके स्रोतों के शोधन के लिए उसमें चिकनी शलाका को सीवन के अनुसार लिंग में अंत तक प्रवेश कराते हैं। तो ये जो यंत्र होता है बस्ती यंत्र को उसको लिंग में अंत तक प्रवेश कराते हैं। लिंग का जो मूत्र मार्ग होता है उसमें अंत तक प्रविष्ट कराया जाता है। गुदा में बस्ती देने के समान हाथ को ना हिलाएं। अब जब जैसे आप बस्ती इंजेक्ट कर रहे हैं तो ना तो हाथ को हिलाएं और बस्ती यंत्र को समान वेग से दबाते रहें। जो बस्ती यंत्र है उसको समान वेग से ऐसे दबाते रहना चाहिए जिससे स्नेह ठीक स्थान तक पहुंच जाता है। इस विधि से स्नेह ठीक स्थान तक पहुँच जाता है। अब आगे की क्रियाविधि देखते हैं। हिप को मतलब जो हमारा हिप है उसको थपथपाना चाहिए धीरे धीरे, नितिम जिसे हम कहते हैं। इस विधि से 3 या 4 बार बस्ती देना चाहिए। इसी विधि के द्वारा हमें रोगी को 3 से 4 बार बस्ती देना चाहिए। और आगे की विधि जो होती है अनुवाशन बस्ती की समान होती है। जैसे कि हमने पहले अनुवाशन बस्ती पढ़ा है उसी के समान आगे की क्रियाविधि होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उत्तर बस्ती के बारे में। स्त्रियों में उत्तर बस्ती किस प्रकार से दिया जाता है उत्तर बस्ती। तो स्त्रियों में उत्तर बस्ती योनि और गर्भाशय के रोगों में दिया जाता है। स्त्रियों में जो उत्तर बस्ती दिया जाता है योनि व गर्भाशय के रोगों में दिया जाता है। 2 से 3 आस्थापान बस्ती से शोधन करके देना चाहिए। 2 से 3 बार आस्थापान बस्तियों के द्वारा हमें शोधन करना चाहिए। उसके बाद ये बस्ती देना चाहिए। अथर्व काल में उत्तर बस्ती देना चाहिए। अथर्व काल में उत्तर बस्ती देना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अथर्व काल ना होते हुए भी उत्तर बस्ती दिया जाता है। जैसे योनि विभ्रंश योनि शूल योनि व्याप्दा व रक्त प्रदर ऐसे रोगों में आतर्व काल ना होने पर भी हम बस्ती उत्तर बस्ती दे सकते हैं। अब बस्ती नेत्र का प्रमाण देखते हैं। अब रोगी के अंगुल से 10 अंगुल लंबा होना चाहिए। तो जो यंत्र है वो रोगी के अंगुल से 10 अंगुल लंबा होना चाहिए। अगला छिद्र मूंग जाने योग्य होना चाहिए। अगला छिद्र इतना होलो होना चाहिए कि वहाँ से मूंग का जो दाना है वो बाहर निकल सके। उसके बाद मूत्रकृच्छ रोग में मूत्र मार्ग में 2 अंगुल तक जो यंत्र है उसको प्रवेश किया जाता है। और यंत्र का प्रवेश अपत्य मार्ग में 4 अंगुल तक कराना चाहिए। और जो अल्पवयस्क लड़कियों लड़कियों में जो यंत्र का प्रवेश 1 अंगुल तक कराना चाहिए। उसके बाद मूत्र मार्ग में प्रविष्ट कराना चाहिए। इस प्रकार से मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए। स्त्रियों की उत्तर बस्ती में स्नेह की मध्यम मात्रा मतलब 4 तोला। स्त्रियों में जो उत्तर बस्ती की मात्रा होती है वो 4 तोला होती है मतलब 46 ग्राम होते हैं। और बालिकाओं में 2 तोला मतलब 23 ग्राम होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्रियाविधि के बारे में कि किस प्रकार से इसका विधि होता है। तो सीधा तो देखो रोगी को सीधा पीठ के बल लिटाकर दोनों सवक्षियों मतलब जांघों को सिकोड़
सिकोड़ कर दोनों घुटनों को ऊपर की ओर कर देना चाहिए। इसके बाद स्नेह बस्ती को 24 घंटों के बीच में 3 से 4 बार देना चाहिए, मतलब दिन और रात, मतलब 24 घंटों के दरमियान 3 से 4 बार बस्ती को देना चाहिए। इस क्रम को 3 दिन तक बार बार करते हैं, पुनः 3 दिन तक उत्तर बस्ती के कर्म को करते हैं। पुनः ये जो 3 दिन तक होती है उत्तर बस्ती का क्रम चलता रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बस्ती कर्म कंप्लीट होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे दिए हैं आस्थापान और अनुवासन बस्ती में कुछ अंतर हैं, ये अंतर भी हमारे एग्जाम से एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं इमेज में, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।